नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट से संबंधित खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज देखते हैं, ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ी समस्या भी आ रही है इससे मुआवजा वितरण करने में। तो ये क्या खबर है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं आज। जेवर मुआवजा लेने वाले किसान बहन बेटियों को नहीं देना चाह रहे हिस्सा। तो जो बहन बेटियों का जो हिस्सा होता है वो बड़ी समस्या बना हुआ है इस समय मुआवजा वितरण में, बड़ा रोड़ा उससे अटका हुआ है। देखते हैं आज पूरी क्या खबर है ये और क्या ये समस्या खड़ी हो गई है। जेवर एयरपोर्ट के लिए हो रही जमीन अधिग्रहण में मिलने वाले मुआवजे का लालच बिगाड़ रहा रिश्ते। बेटियों और बहनों को दूर रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बहनों को मृत घोषित किया जा रहा तो कहीं ननद को फर्जी केस में फंसाया जा रहा। तो इस तरह की कुछ खबरें सामने आई हैं, तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। जेवर एयरपोर्ट के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे से बेटियों और बहनों को दूर रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए लोग फर्जी वसीयत तक तैयार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो जिंदा बहन को ही मृत घोषित कराने का प्रयास किया था। ताजा मामले में भी एक व्यक्ति फर्जी वसीयत के आधार पर बहन को उसके हक से वंचित करने का प्रयास कर रहा था। जब यह बात सीईओ को पता चली तो उन्होंने उसे फटकार कर दफ्तर से बाहर कर दिया। सोमवार को जेवर इलाके में रहने वाला एक किसान वसीयत के आधार पर जमीन के मुआवजे की मांग करने पहुंचा था। सीईओ ने जब उससे कहा कि वह बहन को मुआवजे के हक से वंचित रखने का प्रयास कर रहा है तो उसने चुप्पी साध ली। उस किसान ने क्षेत्र के एक बड़े नेता का नाम लेकर भी अधिकारी को प्रभाव में लेने का प्रयास किया, लेकिन उसका काम नहीं बना, उसे वापस जाना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। नियम के विपरीत किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजे के लिए बहन को मृत बता दिया। जेवर एरिया में मुआवजे के लिए भाई बहन को कमजोर होते रिश्ते का मजबूत सबूत पहले ही भी सामने आया है। पिछले साल एक किसान ने अपनी बहन को मृत ही घोषित कर दिया था। उसने इसके लिए अथॉरिटी में झूठा शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया था। बाद में बहन रोती हुई अथॉरिटी दफ्तर पहुंची थी। उसने खुद को जिंदा बताते हुए मुआवजे में हिस्सा मांगा। सीईओ ने उसका हिस्सा दिलाया। हिस्सा देने से बचने के लिए ननद को झूठे केस में फंसाया। 2016 में जारचा एरिया में धनुवास गांव में एक महिला ने खुद को आग लगाकर सास व ननद पर जलाने का आरोप लगा दिया था। बाद में हुई जांच में पता चला कि आरोप लगाने वाली महिला की सास अपनी अविवाहित बेटी को प्रॉपर्टी में बेटे की तरह हिस्सा देने जा रही थी। बहू इसका विरोध कर रही थी। ननद व सास को फंसाकर जेल भिजवाने के लिए उसने नाटक किया था। ऐसे मिलता है जमीन का मुआवजा। एडवोकेट मुकेश शर्मा के अनुसार जमीन का मुआवजा उस व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम जमीन दर्ज होती है। जमीन मालिक की मौत होने के बाद इस प्रॉपर्टी को उसके वारिसों के बीच बांटा जाता है। इसे वारिसान कहा जाता है। ये काम तहसीलदार तहसील स्तर पर होता है। इस तरह वारिसों को जमीन मुआवजा मिलता है। नए नियम के अनुसार अब वारिसों में बेटियों का भी हिस्सा होता है। ऐसे लगाई जा रही मुआवजे बचाने की जुगत। बहन बेटियों को मुआवजा में हिस्सा देने से बचने के लिए कई तरह की में से जुगत लगाई जाती है। बहनों पर प्रेशर बनाकर मुआवजा ना लेने का शपथ पत्र ले लिया जाता है। अगर बहन इसके लिए भी तैयार ना हो तो पिता का फर्जी वसीयतनामा भी तैयार करा लेते हैं। वसीयत में दावा किया जाता है कि बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो बहन को मृत घोषित कराने का प्रयास करते हैं। रिश्ता बचाने के लिए करोड़ों की कुर्बानी देती है बहनें। कुछ बेटियां खुद ही करोड़ों रुपए के मुआवजे से अपने आप को अलग कर लेती हैं। यह शपथ पत्र लिख कर दे देती हैं कि उन्हें मुआवजे में हिस्सा नहीं चाहिए। लोगों का मानना है कि ऐसी महिलाओं व लड़कियों को डर होता है कि अगर वह मुआवजा में हिस्सा लेंगी तो इससे उसके मायके के संबंध में कड़वाहट आ सकती है। लिहाजा मायके में अपना रिश्ता जिंदा रखने के लिए
वह कई करोड़ रुपए भी आसानी से छोड़ देती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के तहत विवाहित व अविवाहित बेटियों को बेटों के समान उत्तराधिकारी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में अपने आदेश दे चुका है। यूपी में फरवरी 2016 में बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी जो बेटियों का जो हिस्सा होता है जमीन में, उसका मुआवजे के संबंध में समस्या के बारे में एक खबर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।